अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन पराठा रोल की रेसिपी। उसके लिए फर्स्टली हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पाव चिकन, बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, एक प्याली दही, फुल टी स्पून नमक, 1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ स्मॉल साइज़ की प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्च, स्मॉल साइज़ का हाफ टमाटर, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। चिकन को मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, सुरख मिर्च, दही, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन में अब्जॉर्ब हो जाए, और 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। जब तक ये अच्छे से मैरिनेट होता है, हम आटा गूंद लेंगे पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। मैं 2 प्याली आटा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। 1/2 टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी मैं, और नॉर्मल पानी से मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। आटे को मैंने गूंद लिया है, अब मैं इसे साइड पे कर दूँगी और चिकन फ्राई कर लूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी इसे फ्राई करने के लिए। प्याज का कलर हमने लाइट ब्राउन कर लिया है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन फ्राई होकर तैयार होता है, तब तक आटा भी पराठा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे मैंने कवर करके रख दिया है। 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दिया था। ये बनके तैयार है, इसलिए इसे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी अब, और इसे अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। आटा तैयार है पराठा बनाने के लिए, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। और इस तरह हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे। पेड़े मैंने बना के रख ली हैं, अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। तवे के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है गरम करने के लिए। उसे रोटी मैंने इसकी बना ली है, अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी। दूसरी साइड इसकी पक रही है, इसकी फ्रंट साइड पे हम ऑयल ऐड कर देंगे और अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे हम। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अब हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे इस साइड से भी अच्छे से बना लेंगे। पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया है, अब इसके मीट में मैं चिकन ऐड करूँगी। इसके ऊपर मैं केचप ऐड करूँगी। अब अगर आपको चिली सॉस पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को देने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। केचप के ऊपर अब मैं मायोनीज ऐड करूँगी। मायोनीज के ऊपर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना ऐड करें। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर खीरे ऐड कर दें।
खीरे ऐड करने के बाद अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे पिक की मदद से मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसी तरह बाकी पराठे रोल तैयार कर लेंगे। मज़ेदार पराठा चिकन रोल की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।